वडोदरा शहर में कलाकारों की कोई भी कमी नहीं है। ऐसे ही शहर के एक युवा कलाकार किशन शाह ने 50 जितनी कॉफ़ी पेंटिंग्स बनाई है। इन कॉफ़ी पेंटिंग्स में महादेव के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाया गया है और साथ ही इन पेंटिंग्स में तंत्र मंत्र को भी दर्शाया गया है। तो आइए किशन शाह से ही जानते हैं उनकी ये पेंटिंग्स के बारे में। शहर के परमहंस आर्ट के युवा कलाकार किशन शाह ने महादेव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए महादेव के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाती कॉफ़ी पेंटिंग्स बनाई है। उनकी हर पेंटिंग में महादेव के विभिन्न स्वरूप नज़र आ रहे हैं। वहीं किशन शाह की ये सभी पेंटिंग्स तंत्र मंत्र के साथ भी जुड़ी हुई है और इस बारे में उनका ये कहना है कि तंत्र मंत्र लोगों को अध्यात्म की ओर ले जाता है और इसी बात को इन पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। आपको बता दें कि उनकी इन पेंटिंग्स को तंत्र कला और चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। लोको तंत्र मंत्र जो એટલે ડરી જતા હોય છે કે તંત્ર મંત્રના નામથી, પણ મને એવું હતું કે તંત્ર મંત્રનો જ ઉપયોગ કરીને આપણે પેઇન્ટિંગ બનાવીએ, કારણ કે લોકોમાં એક જાગૃતતા લાવવાની જરૂર છે કે તંત્ર મંત્ર એક વસ્તુ ખરાબ નથી પણ એક આધ્યાત્મિક શક્તિ છે જે ભગવાનના નજીક જવામાં આપણને મદદરૂપ થતી હોય છે। તો એટલા માટે મેં પેઇન્ટિંગ બનાવ્યા છે અને શ્રાવણનો મહિનો આવી રહ્યો છે ત્યારે લોકો ભોળોનાથને રીઝવવા માટે ઘણું બધા ભક્તિ કરતા હોય છે। तो मैं एवं थू कि कला की दृष्टि अपने कला उपयोग कर भक्ति करिए तो ये सर्वश्रेष्ठ है। तो यह उपयोग कर मैं 50 जटली पेंटिंग बनाई है। यनी अंदर खाली कॉफी उपयोग करो, अलग अलग शेड बनावा कॉफी उपयोग करो, एनी अंदर बीज मंत्र लीधा है, शिवलिंग लीधु है, शेषनाग लीधो है, अलग अलग यंत्र लीधा है जेमा पंद्रू यंत्र आए, विसा यंत्र आए, एवं बदा अलग अलग यंत्र लीधा है। मैंने वरसाद सीजन में ભેજના વાતાવરણના લીધે કોફીના પેઇન્ટિંગ ખરાબ થતા હતા એવું લાગ્યું, તો મને એવો વિચાર આવ્યો એટલે અને હેર ડ્રાયર જે આપણે યુઝ કરતા હોય છે તો એનો ઉપયોગ કરીને સૂકવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે 100 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર પર સૂકવીએ છીએ તો એને તકલીફ થતી નથી અને લોંગ લાઈફ એની હોય છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।